नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि पुलिस अगर किसी को मतलब अरेस्ट कर लेती हो, साथ में उसके सामान को भी जब्त कर लेती है, जैसे कोई कार है या मोबाइल है या फिर अन्य कोई सामान है, इन सभी को मतलब पुलिस जब्त कर लेती है, तो जब्त करने के बाद में उस सामान को कैसे छुड़वाए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ, बिल्कुल खुल के अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछे तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को, इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूंगी, पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि लीगल की वीडियो है पूरे देखने पड़ते हैं तब ये समझ में आते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट के साथ में मतलब उसके सामान को भी जब्त कर लेती है, तो वो सामान को कैसे छुड़वाए। तो जिसको मतलब पुलिस अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने के बाद में उस व्यक्ति को तो 24 घंटे के अंदर मतलब न्यायालय में पेश करना होता है पुलिस को। तो न्यायालय में पेश करने के बाद मतलब उस व्यक्ति को सजा हो जाती है या फिर जमानत हो जाती है। तो जमानत होने के बाद में उस सामान को कैसे छुड़वाए, तो छुड़वाने के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिस कोर्ट से उस व्यक्ति की जमानत होती है, तो उसी कोर्ट में वकील के माध्यम से उसको मतलब एक अर्जी लगानी पड़ती है CRPC की धारा 451 के तहत। उसको मतलब अपने सामान की प्राप्ति के लिए अर्जी लगवानी पड़ेगी कोर्ट के माध्यम से। तो कोर्ट क्या है, जिसमें मतलब उसकी FIR दर्ज हुई थी, तो उस थाने के अंदर कोर्ट एक नोटिस भेजेगा और उनसे मतलब जवाब मांगेगा कि मतलब इस व्यक्ति के मतलब कौन कौन से सामान है। तो फिर मतलब थाने को उनको मतलब रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी कोर्ट को, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मतलब ये सामान है। तो फिर वो लिस्ट आ जाएगी कि इस व्यक्ति का ये सामान है, तो फिर वो जानकारी आप ले सकते हैं कोर्ट से, और कोर्ट मतलब पूरी तफ्तीश करेगी कि वाकई में ये सामान आपका है कि नहीं है। पूरे प्रूफ वगैरह आपको देने पड़ेंगे कि ये वाकई में आपके सामान है, आपके नाम से है। तो फिर कोर्ट से आपको रिलीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा, तो उस रिलीजिंग ऑर्डर को आप थाने में ले जाइए और जो भी आपका जो जब्त हुआ सामान है उसको आप उस रिलीजिंग ऑर्डर के द्वारा वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं लीगल से रिलेटेड। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिसमें कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। आज बस इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।